और बॉलिंग मार्ग पर संकेत। खेल की शुरुआत अंपायर का इशारा, सतगिरी नाइक और शिवचरण उर्फ बाबू दाबोलकर। फुल टॉस गेंद, इस बार एक आड़े बल्ले से खेला, गेंद क्रॉस करने एक बाउंड्री की तरफ, गेंद फील्डर गेंद के पीछे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, गेंद चली गई चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और ओ, बहुत ही बढ़िया शॉट, हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, गेंद चली गई चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, बैक टू बैक दूसरा चौका, दो चौके के साथ स्कोर हो चुका है 8 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से। राइट हम ओवर द विकेट संकेत, एक 15-16 कदमों के रन अप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑफ स्टंप पर शॉर्ट अप लेन गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इस बार बल्लेबाज गेंद के लाइन से पूरी तरह से बीट हुए, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दो फील्डर है इस पावर प्ले में। दो ओवर का खेल, 25 मिनट का आपके लिए समय है, दो ओवर पावर प्ले का खेल है और 5 गेंदबाज आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे इस मैच में। स्विच हिट लगाना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद, गेंद जाके पैरों पे टकराती हुई, संकेत अपने फॉलो थ्रू में आते, गेंद को उठाते, फील्डिंग करते और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर रुका हुआ 8 रन पर, पहला ओवर जारी जो पावर प्ले का। भोजन के समय के बाद दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी इन दो टीमों के बीच में। और इस बार एक सुंदर शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पहले बाउंस के बाद गेंद, चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। तो तीसरा बड़ा शॉट निकला पहले ओवर में पावर प्ले में, स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 12 रन। ओपनिंग जोड़ी शुभम और शुभम के साथ विराज, विराज सामने स्ट्राइक पर आक्रामक शुरुआत करते हुए 3 चौके, स्कोर 12 और नॉन टाइगर रन पर शुभम। गेंद थोड़ी सी दूर जरूर, प्रवीण हमारे बॉल बॉयज प्रथमेश थैंक यू। संकेत एक बार फिर से अगली गेंद लेकर लाइन से ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर निकले, हल्के से कट किया, गेंद को ऑफसाइड पर, पॉइंट पर, फील्डर कवर पॉइंट पर, जयंत गेम उर्फ मुन्ना गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ पार जो कोई पावर प्ले का और स्कोर हो चुका है 3 चौके के साथ 13 रन बिना किसी नुकसान से। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरिंग के लिए जुड़ चुके हैं सई दास, थैंक यू सर, आपका धन्यवाद है जो कि कमेंट्री बॉक्स में से। मैं अशोक नाइक, मेरे साथ राज बांदोडकर और राज बांदोडकर के साथ हमारे स्कोरर कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब जो एक बार फिर से कॉम बॉक्स में जुड़ चुके हैं। अखिल परब, 13 रन पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, एक शानदार शुरुआत सामने आक्रामक विराज के 3 चौके, बल्लेबाजी में विराज का साथ देते हुए शुभम और देखना होगा बॉलिंग में परिवर्तन पहले ओवर की बात। बॉलिंग में परिवर्तन, युवराज आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। युवराज खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए बेहतरीन शॉट बॉलर के पास से, इस बार लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर, एक अच्छा शॉट स्ट्रेट ड्राइव का लेकिन सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को और 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 14 रन। स्क्वायर लेग पर अंपायरिंग के जिम्मेदारी के साथ अनंत
मडगांवकर उर्फ बटा। आनंद मडगांवकर सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू कमेंट्री बॉक्स में से। इस बीच में अगली गेंद राउंड विकेट और पहली बार स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर बैटर शुभम बैकफुट पर निकले, हल्के से स्टेयर किया गेंद को ऑफसाइड पर कवर पॉइंट पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छी शुरुआत पावर प्ले में, तीन चौके लगाए उसके बाद सिंगल डबल के साथ रन बनाती हुई मैदान पर। जो दर्शक देरी से जुड़ चुका है इस मैदान पर, रुद्रा इलेवन सुरला क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फील्डिंग करने का फैसला। अंसार यूनाइटेड थिविम क्रिकेट टीम मैदान पर बल्लेबाजी करती हुई, ओपनिंग जोड़ी मैदान पर विराज। कवर पॉइंट पर मुन्ना, कवर पॉइंट पर और पहली सफलता मिलती हुई। आज कई खिलाड़ियों के जो कि कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन उसी में से साइज जोरे वो भी मैच को देख रहे, अपने टीम के साथ जुड़ चुके रुद्र इलेवन सुरला क्रिकेट टीम के साथ। फिलहाल न्यू बैटर मैदान पर, वन डाउन बल्लेबाज बैटर अल्ताफ वो मैदान पर। बड़े शॉट के लिए खिलाड़ी जाना जाता है, दूर दूर लंबे लंबे और बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। सामने का तीन चौके के बाद मैं कहूँगा कि वापसी की युवराज ने अपने टीम के लिए एक सफलता दिला दी। विराज आउट होकर वापस शुभम और शुभम का साथ देने के लिए अल्ताफ जो सामना करेंगे अगली गेंद का, युवराज की गेंदबाजी का स्कोर रुका हुआ 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। अल्ताफ की कोशिश आते आते पहली गेंद पर अल्टी पल्टी, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। दूसरा ओवर जारी मैच का, राइट आर्म ओवर द विकेट युवराज। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, थोड़ी सी हवा में गैप में गेंद निकलती हुई मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल गैप में गेंद चली गई स्क्वायर लेग और शॉट मिड विकेट पर, लेकिन डीप पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और अल्ताफ के बल्ले से निकला पहला चौका, अपना खाता खोला चार रन के साथ से और स्कोर को आगे बढ़ाया टोटल 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, लेकिन अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की निचले हिस्से से लगी पॉइंट पर, मुन्ना आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक रन मिला स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 20 रन पर, 20 रन एक विकेट पर। 7 रन इस ओवर में युवराज, एक सफलता मिली युवराज को इस ओवर में। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ, 20 लॉस ऑफ वन विकेट, 20 रन एक विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ और एक जो कि बिल्कुल क्रिकेट के समीक्षक, क्रिकेट के कमेंटेटर सुनील बिचोलकर वो भी जुड़ चुके हैं। सुनील, आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। बिल्कुल एक जमाने के बिल्कुल ऑलराउंडर खिलाड़ी थे सुनील बिचोलकर, आज मैच का मजा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत 20 रन एक विकेट पर। दत्तराज अच्छी गेंद रन के लिए निकले पॉइंट पर, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, जयंत और मुन्ना एक सिंगल बना लेग बाइज का इशारा अंपायर का और इस सिंगल के साथ 21 लॉस ऑफ वन विकेट, 21 रन एक विकेट के नुकसान पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से दत्तराज अगली गेंद लेकर सामने लेफ्ट हैंडर बैटर
शॉर्ट अपलेन गेंद, एक थोड़ी से आगे इस बार गेंद को पिच किया था, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। सामने शुभम नॉन स्ट्राइकर रन पर, अलता 5/1 पर, शुभम आउट होकर 3 चौके के साथ 14 रन बनाकर, विराज पहले विकेट के रूप में, खेल जारी तीसरे ओवर का। और गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग करते हुए रुद्र 11 सुरला क्रिकेट टीम बैकफुट पर निकले हवा में, थोड़ा सा अब जरूर गेंद थी मिड विकेट पर, फील्डर दूर है बाउंड्री लाइन पर, गेंद को आते उठाते फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, एक रन इसे बीच में पूरा किया। हवा का झोंका थोड़ा सा आ चुका है मैदान में दोपहर के सत्र के बाद, जो दोपहर में गर्मी महसूस हो रही थी, अब मात्र थोड़ा सा हवा का झोंका निकल रहा है, अच्छी बात है जो मैदान पर, खास करके अंपायरिंग के लिए, क्योंकि वो पूरे दिन में खड़े रहते हैं धूप में। राउंड विकेट ये गेंद, इस बार हल्का सा अपील, लेकिन शिव शरण उर्फ बाबू दाबोलकर, कई सालों का ढेर सारा जो कि क्रिकेट का अनुभव, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कहीं ना कहीं बिल्कुल शरीर से लगी थी जरूर पैंट से, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, अपने बॉलिंग बार पर दत्तराज। राउंड विकेट इस बार हवा में शॉट, देखना होगा स्क्वायर लेग पर फील्डर, सुंदर कैच, अच्छा कैच और दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ टीम का, 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। अंसार यूनाइटेड तिवीम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। प्रदीप न्यू बैटर मैदान पर, प्रदीप मैदान पर, 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, सफलता मिलती हुई दत्तराज को राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद लेकर खेल अभी भी जारी तीसरे ओवर का, और अंसार यूनाइटेड थिवीम क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी करती हुई, आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, फील्डिंग की जमावट को जिस प्रकार, एक स्लिप पर फील्डर, एक गली पर, एक डीप कवर पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, यह है फील्डिंग की सजावट मैदान पर रुद्र 11 सुरला क्रिकेट टीम की। ओवर पिच गेंद इस बार, लेकिन बीट हुए उस गेंद पर, अच्छी गेंद, डॉट गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई जिस ओवर में सफलता मिली दत्तराज को, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, इस ओवर में बने सिर्फ 3 रन, 23 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी आधे ओवर का खेल जो मैदान पर समाप्त हुआ। चौथे ओवर की शुरुआत होगी, थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर, और आखिरकार शायद युवराज दिखाई देते हुए एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए। भगवा चषक श्री स्वामी समर्थ मित्र मंडल, जिनसे आयोजन इस टूर्नामेंट का पर्व पहला, आज का दूसरा दिन, कल के शाम के दौर में साई गांजेश्वरी उसगांव क्रिकेट टीम, जो पहली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, आज मात्र मुकाबला 4 टीमों के बीच में, एक ओर से भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम जो क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। तेज गेंद इस बार, काफी गति के साथ गेंद, और भूमिका 11 के साथ पिछले मैच में जीत हासिल कर चुकी है जो नाविली क्रिकेट टीम, अद्वैत टाइगर्स, और वो दो टीम के साथ ये दो टीम, तो टोटल 4 टीम के बीच में भिड़ंत होगी, और आखिरकार शाम को फैसला हो जाएगा जो दूसरी टीम पक्की होगी। इस बार फिर से हल्का सा अपील अंपायर की ओर, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद निकली थी, बिल्कुल बिल्कुल अनंत मडगांवकर जो स्क्वायर लेग पर काफी का चौकरनी निगाह, कड़ी निगाह है, और गेंद टिप्पा खाने के बाद निकली थी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी हो रही है, काफी गति के साथ युवराज अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, बढ़िया शॉट हाफ अली पर लेकर, एक ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, अच्छा थ्रो, तेज थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, बैकअप हो रहा था मैदान पर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, जो बड़ी देर से रुका हुआ था स्कोर वो आगे बढ़ा, 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर 24 लॉस ऑफ 2 विकेट 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर
टेनिस क्रिकेट डॉट इन से दर्शक जुड़ चुके हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत। कैमरामैन ओमकार सावंत हमारे साथ, स्कोरिंग की जानकारी कुणाल वो भी। ओ फुल टॉस बोल्ड हुए इस गेंद पर, लेग स्टंप उखड़ती हुई और एक कामयाबी मिलती हुई, तीसरा विकेट वापस निकलता हुआ अंसार यूनाइटेड तिवीम क्रिकेट टीम का। एक तेज गेंद, फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद के लाइन से बीट हुए और एक विकेट वापस निकलता हुआ। न्यू बैटर मैदान पर चंद्रू। न्यू बैटर मैदान पर छटपिच बाउंसर, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 25, 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर चंद्रू स्ट्राइक पर, युवराज अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर एक छोटे रन के साथ लेकिन बड़ी रफ्तार के साथ बड़ी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार सही नहीं लगी लेकिन फिलहाल रन बनेगा। मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल, सिंगल के साथ चंद्रू ने अपना खाता खोला और स्कोर आगे बढ़ा एक सिंगल के साथ। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से गेंद ने परेशान किया बल्लेबाज को, गेंद जाके शरीर पे लगती हुई, कोई रन नहीं अपने पालुत्र में। एक बहुत ओवर कोई मैडन नहीं, 10 रन उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण। 2 विकेट चटकाए, 2 ओवर कोई मैडन नहीं, 10 रन 2 विकेट, तो 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक अच्छा ओवर 3 रन बने और 4 ओवर के बाद टोटल 26 लॉस ऑफ 3 विकेट, 26 रन 3 विकेट पर और एक का विकेट वापस रिटायर्ड आउट आजकल बिल्कुल, जो कि और इसी के साथ सफलता मिलती हुई तो चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। 26 रन 4 विकेट पर और न्यू बैटर मैदान पर। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा, बच गए वहां पर। एक बीमर गेंद, फुल टॉस अतिरिक्त उछालती, कैच तो पकड़ा था विकेट कीपर ने लेकिन नो बॉल। एक रन मिल गया स्कोर के खाते में और अंपायर का इशारा हो चुका है, जो आने वाली गेंद होगी वो होगी फ्री हिट की गेंद। सूरज अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने बैटर और उनके लिए फ्री हिट की गेंद, सामने स्ट्राइक एंड पर चंद्रू और नॉन स्ट्राइक एंड पर सचिन। अब टम से बाहर वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का एक रन मिला अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में, तो अंपायर का इशारा जरूर होगा एक बार फिर से। फ्री हिट का मौका जारी है, अभी भी फ्री हिट की गेंद का और सामने चंद्रू जो सामना करते हुए फ्री हिट की गेंद। चेंज ऑफ पेस बहुत जल्दी पिक किया है, हवाई फायर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। सुरला राउंड विकेट, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर
बिल्कुल शुरू में ठीक ठाक था, लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं रन बन रहे, कहीं ना कहीं अपने लाइन पर थोड़ा सा भटक रहे गेंदबाज, एक बीमर गेंद बाद में वाइड बॉल और एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में अंसार यूनाइटेड थिविम क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। चंद्रू स्ट्राइक पर, राउंड विकेट सूरज अपने बॉलिंग बार पर। ये बिल्कुल इस बार पुलर लेन की गेंद, बल्लेबाज को बेट किया, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई रन नुकसान नहीं। दूर दूर जमाई गई फील्ड मैदान पर, रुद्र 11 सुरला क्रिकेट टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए और खेल जारी है। पांचवे ओवर का, सूरज गेंदबाजी कर रहे, राइट आर्म राउंड विकेट अगली गेंद लेकर इस बार फिर से थोड़े से धीमे फेंके गेंद, गति में इस बार परिवर्तन किया, जल्दी खेल बैठे, फिर से गेंद से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। फुल टॉस लेकिन फायदा नहीं मिला उतना, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर खेलना चाहते थे मिड विकेट स्क्वायर लेग पर, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पर और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर एक रन के साथ, चंद्र 8 पर उनका साथ देते हुए, सचिन स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार्क पर सूरज राउंड विकेट राइट आर्म अगली गेंद लेकर कॉमेंट्री बॉक्स की ओर से। अल्टी पल्टी इस बार कवर पॉइंट पर गेंद चली गई, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर इस पर 4 विकेट पर 40 रन टोटल अंसार यूनाइटेड थिविम क्रिकेट टीम, जो मौका दिया बल्लेबाजी को वो बल्लेबाजी पहले करती हुई मैदान पर, 4 विकेट पर टोटल। ओ बढ़िया शॉट, ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर मिड विकेट पर गेंद सीमारेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए 46, 46 रन टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का खेल, और इस बार पॉइंट पर देखना होगा कैच, पकड़ा दूसरे प्रयास में कैच को पकड़ा और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई, यानी 5वां विकेट वापस निकलता हुआ, 46 लॉस ऑफ 5 विकेट। आउट होकर वापस चंद्रू, आउट होकर वापस और सचिन का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर। थैंक यू सर। तो न्यू बैटर मंथन मयेकर मैदान पर, बॉलिंग मार पर अक्षय गेंदबाजी करते हुए, जिनको पहली गेंद पर सफलता, एक अच्छा कैच कवर पॉइंट पर, सुंदर कैच और स्लॉग से ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर सामने हाथों में और इसी के
तुषार हैट्रिक की गेंद, ओ एक अच्छी गेंद, रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर इन पर मौका था, ओ निशाना चूका, एक रन, 22 का इशारा अंपायर का, एक रन सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, एक आसान सा मौका था नॉन स्ट्राइकर इन पर रनआउट का, लेकिन विकेट कीपर की कोशिश थी, निशाना लगाया था, बाद में गेंदबाज अक्षय उन्होंने भी कोशिश की नॉन स्ट्राइकर इन पर, फिलहाल गेंद चली गई लॉन्ग ऑन की तरफ, एक सिंगल बना 22 का इशारा और एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 47 47 रन पर। अल्टी पल्टी की कोशिश और एक बिंदी गेंद डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में, 5 विकेट 6 विकेट अब तक वापस और स्कोर रुका हुआ 47 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी कर रही है अंसार यूनाइटेड थीम क्रिकेट टीम। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, थोड़ी सी शॉट अप लेन गेंद और फिर से बिट हुए उस गेंद पर, गेंद चली गई विकेट के पर के हाथों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, 2 सफलता इस ओवर में, अच्छी गेंदबाजी अक्षय की आखिरी ओवर में, पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था सूरज का, 20 रन बने थे सूरज के पिछले ओवर में। क्या इस बार फाइन लेग पर फील्डर, अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच, आसान नहीं था कैच क्योंकि थोड़ा सा हवा की लहर है मैदान में और ऐसे स्थिति में कैच पकड़ना आसान नहीं होता है, गेंद थोड़ी सी हिलती है और वहीं पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक सुंदर कैच, सफलता और एक मिलती हुई टीम को, 6 विकेट का पतन होता हुआ स्कोर 47 लॉस ऑफ 6 विकेट। Jayant Urf Munna and along with Dattaraj. Jayant along with Dattaraj. Baller Viraj. And the baller Viraj. So they required a 48 runs to win this match for the Sulla 11. Rudra 11 from all the way from Sulla. The
and 47 runs to win this match and 48 runs to win this match. Jain, the man on strike, along with Dattaraj. Oh, he's will be fine with that delivery. Dot to open the over. We did the power over power play. Oh, short into the gap. That's running down a track. The fielder will cut off. Yes. So Jain open his account with a single. Jayant has been scored a 6 out of 6 this year in Panparak Uzgao. And back live over here, Dattaraj, a little fellow, the man on strike, and trying to do that reverse head into the gap for four. So he opened his account with a boundary, Dattaraj. Seven runs on the board. Five runs on the board. I request Mr. Sagar, you can please set your ball, boys. Sagar. Five runs on the board. Man on strike, Dattaraj, a little fellow. Oh, terrific delivery there, right in that block hole from the bowler. Five runs on the board. Wait for the umpire, and yet again a dot delivery. So it's a good stuff from the bowler. Two back-to-back dot delivery. Dattaraj, the man on strike, and shot. One bounce into the fence for four. Good four runs to end that over. Nine runs on the board. Loss of none. Jayant, the man, will be on the strike. We know the second. Nine runs has been scored in that power play over. New bowler P2, he'll be bowling to that left-handed Jayant. 48 runs to win this match in 6 overs. A shot! And that's 6. That's into the fence for 6 from the Jayant. What a shot from the champion. Left-handed man, Munna. Short, that's traveling, that's going. Good fielding there from the fielder. In's come the throw, they'll sell for 2. With that 2 run, the score moves to 17 runs on the board. He's looking good out in the middle there. Jayant Urf Munna.
What a shot from this Munnas bat yet again. And I think he's finishing is very quickly this total over here. At the moment, the way he's batting at the moment, the balls are going in the six and the boundaries. And what a batting from the champion left-handed batter. Score moves to 23 runs on the board. We end the second. Four overs remaining after this. 27 deliveries remaining, 25 runs to win this match, and shot didn't connect well there. You can see it's showing the Munna, the man on strike, and swing and a miss here. Dot delivery. Another 25 runs to win this match, and chance of a catch. Yes, it's been taken. Altaf has been taking the catch there, and has been sent back in the pavilion. Good cameo from the champion. Hello. A new batter walking the crease here, Viraj. 23 runs on the board. Third over for the side. Two overs has been bowled. 23 for one. Hello. Rudra 11. Sulla. They lost their first wicket over here. As you can see, this keeper is standing up. Oh, yes, no. At the end, run has been taken. So, good running between the wicket, these two. And it's a leg by signal. Viraj, the left-handed batter, the man on strike, and so two umpires have done a fabulous job in this competition. Shiv Sharan and Anand Bhatta and Sadgiri Naik, the match referee. Oh goodness, my goodness, he was very pleased with that delivery, I think. Didn't hit from the batter, and that's been given wide from umpire. There we go. So two runs will add to the total. Score moves to 25 runs on the board. 26, Akhil Parab is making a little mistake here. 26. That's boundary. That will run to the boundary here. So it's into the gap and boundary. With that boundary, the score moves to 30 runs on the board. Another 18 runs to win this match for the Rudra 11 Sulla. And,
request Navilim team, please report in the commentary box. Navilim boys. Thirty runs on the board. Another 18 to get. Omkar, the new batter in the crease here, and back live over here. Eighteen runs to get. 20 deliveries remaining, 18 runs to win this match. Score moves to 30. Shot. That's boundary. So another 14 to get. Another 14 runs to win this match. And uh, 34 runs on the board. Runs to win this match. Firaj, the man on strike, and shot. And it's traveling. There's a fielder is coming now. That's out of here. Good shot from Viraj. Only 8 runs to win this match now. And of the one more over here. Viraj the batter, solid defend, single run has been taken. Another seven runs to win this match now. Trying to do that reverse but didn't connect well there. Another dot delivery. 7 runs to win this match for the Rudra 11 Sulla. They require just the 7 runs to win this match. And the chance of a catch here has been put away. Maybe a deflection of the sun, I guess. The 43 runs on the board now. Well, he will finish things in a style with a 6 here now. 5 runs to win. Change of pace from the bowler. Another single will add to total. 44 runs, so 4 runs to win this match. Well, this Rudra 11, Sulla, they will finish things in a style with a 6 or 4. 4 runs to win this match. Another catch. It will fall in the no man's land, and another run. So 3 runs to win this match.
There we go. There's a fielder is coming underneath there. I think two runs. The scores are level now. 47. One more runs to win this match. Scores 11. They required one runs to win this match, and Ansar is bowling a final over here. Only one runs to win this match. Scores are level now. 47. They required one run to win this match, and there we go. That's a winning shot from the left-handed batter, and that's six. So he finished things in a style here. So I request the captain of Sulla and Navelim captain Deep Raj. Yuvraj, you can come and collect your man of the match and 10 runs and 2 wickets. And Sunil Dicholkar, get this opportunity to give this man of the match the cutter of Aldona.